Hi, dear. Hi. 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 अरे चश्मा अंदर क्यों पहन के आए हो? यहाँ धूप थोड़ी है। अरे यार नया था। हाँ? हाँ कुछ नहीं। क्या कर रही हो? मैं ना तितलियाँ पकड़ रही हूँ। अंधे हो गए, दिखाई नहीं देता। मैं पढ़ रही हूँ पागल। क्या पढ़ रही हो? मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं थैंक्स अ लॉट, लेकिन ये थोड़ी सीरियस टाइप की रीडिंग है, आप मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे। यार ये तुम सीरियसली ये बुक्स वुक्स क्या पढ़ने लग गई हो? तुम भी हमारे पंडित जी की तरह बोरिंग होने लगी हो। Oh, really? तो फिर मुझे किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए? लव स्टोरीज बाय एरिक सीगल एंड रोमियो एंड जूलियट बाय बाय शेक्सपियर। ओह यस, यू नो व्हाट शेक्सपियर रोट? नो टेल मी। ही रोट लाइफ इज लव एंड लव इज लाइफ। रियली? एंड टू बी नॉट टू बी and many many more things. राजन एक सीरियस एडवाइस दूं तुम्हें, थोड़ा कुछ पढ़ लो, जिंदगी में फायदा होगा तुम्हें। तुमने वो कहावत सुनी है ना? नहीं। हाँ हाँ कौन? नहीं कौन सी? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, थाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कैसा कहा? बहुत अच्छा। Very good. I knew it, you see. राजन tell me, जब से अंदर आए हो ये प्रेम और इश्क की बातें कर रहे हो, क्या बातें कोई मिली है क्या? मिल तो बहुत टाइम पहले ही गई थी। राजन तुम मुझे अभी बता रहे हो बहुत टाइम पहले मिल गई थी? You are telling me now you consider me your best friend? Tell me now, कौन है वो? इधर उधर क्या देख रहे हो? थोड़ा उधर हो। सीक्रेट है? कौन सुन रहा है? बोलो। रागिनी, मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले ही कहना चाह रहा था, लेकिन क्या है कि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। राजन मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मुझसे बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी की क्या जरूरत है? अपने दिल की बात कभी भी कहीं भी बता सकते हो ना मुझे। सीरियसली? सीरियसली? पक्का? पक्का। रियली? यू जस्ट पुलिंग माय लेग, मैं जा रही हूँ। अरे सुन सुन रागिनी, असल में जब मैं 2-4 साल का था, मेरी माँ घर छोड़कर चली गई थी। माय फादर सेंट मी टू बोर्डिंग। यू नो रागिनी, मैं बचपन से ही टेम्परेरी इमोशंस, बोरोड लव और आर्टिफिशियल हमदर्दी के सहारे जिया हूँ, अंटिल आई फाउंड परमार एंड यू। राजू, ये तुम अपनी घिसी पिटी इमोशनल कहानी मुझे 25वीं बार सुना रहे हो। And I have no intention of hearing it for the 26th time. So just tell me who the girl is. Otherwise, I'm going to kill you. Tell me who she is. तुम्हें मेरी कसम है। Tell me for God's sake. रागिनी। हाँ। रागिनी। हाँ। Go on. Her name was God. रागिनी वो लड़की। राजन, 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 परमार का बाहर कुछ लोगों से झगड़ा हो रहा है। What? Oh my God! इलेक्शन लड़ेगा? हाँ, कौन है तू? हाँ, कब से कॉलेज में? हाँ, किसका वोट चाहिए? हाँ, क्या करेगा तू? आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए तेरे को। नहीं राजन, नहीं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। नहीं राजन, रुक जाओ। Stop it, please, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, please, please, वापस आ जाओ राजन, please, relax, वापस। कौन थे ये लोग? Oh my God, are you hurt? ये परमार,
परमार कौन थी ये, समझा तू? पता नहीं, शायद कोई गलतफहमी। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये टॉम के लोग थे, उसे पता चल गया कि वो इलेक्शन में हार रहा है, इसलिए मारपीट पर उतर आया। चल चल मैं देखता हूँ। राजन प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे व्हाई नॉट यार, मैं मानूंगा उसे। राजन, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं इलेक्शन से विड्रॉ कर लूंगा, एंड दैट विल बी द लास्ट ऑफ फ्रेंडशिप। देख तू मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल मत किया कर, मैं डरपोक नहीं हूं, मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। राजन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉलिटिक्स में इमोशन से नहीं बल्कि दिमाग से काम की जाती है, ये उन लोगों की चाल है। और तुम हार गए, तुम पिट गए उनसे बेवकूफ। राजन प्लीज, वो लोग चाहते हैं कि मैं भी हाथ उठाऊं ताकि वो मुझे बदनाम कर सके। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अरे आई डोंट केयर यार, मैं मारूंगा उसे, मैं तुम बियॉन्ड रिपेयर। राजन लिसन टू मी, देखो परमार बिल्कुल सही कह रहा है, ही इज गॉट अ पॉइंट। नाउ जस्ट रिलैक्स, हमेशा की तरह थोड़ा दिमाग से काम लो ना। Grow up, for heaven's sake. Chalo, come on. First aid. Come on, come on. I know. I'm always wrong. मैं सह नहीं कर सकता हूँ कि कोई मेरे दोस्त को छू जाए। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। और उससे भी बड़ी गलती है कि मैं I love you, my friend. Can I tell you something? Yeah. तुम मैंने कभी-कभी राजन के साथ बहुत rudely behave करते हो। उसे बुरा लग जाता है यार। Yeah, well, but you really care for him, huh? Of course, I care for him. उसके जैसा सच्चा दोस्त ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। और मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। Ragini, you really like him, right? Yeah, of course, I like him a lot. Sometimes he acts so stupidly कि मुझे लगता है बहुत पिटाई करूं उसकी। लेकिन एकदम से भोला चेहरा बना के सामने आ जाता है कि but really he's so pure. मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ अपनी। I hold on. I'll get you hot water bottle. Hold on. जो डर गया, समझो मर गया। अबे उल्लू के पट्टे, अगर इश्क करते हो तो इश्क में डरते क्यों हो? इश्क में तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, बड़े बड़े किले फतेह किए, आसमान से कूद गए, ताज महल बनवा दिए। लेकिन तुम रागिनी को इतना नहीं कह पाए कि रागिनी आई लव यू। परमार सही कहता है कि मैं बहुत ही सड़ा गला घिसा पिटा आशिक हूं, लेकिन नहीं मियां, इस बार अगर मुझे रागिनी मिली तो मैं उसको कह डालूंगा, नहीं तो मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा, ओ मूछें उगा लूंगा। मिलने दो रागिनी को। रागिनी आई टेल यू दैट आई लव यू। अरे नहीं यार, ऐसे मत बोल, एक आशिक की तरह बोल, एक न्यूज रीडर की तरह मत बोल। कैसे बोलेगा आशिक की तरह? हाँ ट्राई। रागिनी मैं तब से तुम्हें रो क्यों रहा है? आशिक की तरह बोले, आशिक की तरह। ओके गुड गुड, या कॉन्फिडेंस गुड। रागिनी मैं जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव, कुछ नहीं हो सकता, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बोल रागिनी, आई लव यू। जरा आराम से जनाब, गर्दन लचक जाएगी। अरे या जीवन और मौत का सवाल है और तुम्हें मेरी गर्दन की पड़ी है। आप क्या कर रहे थे? अच्छा वही घिसी पिटी रिहर्सल। बरखुरदार मेरी बात मानिए और आज रागिनी से कह ही डालिए। यार ट्राई तो बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन जैसे वो सामने आती है ना तो मेरे छक्के छूट जाते हैं। क्या करूं? This shows how truly and pure you love her. That's right. जब रागिनी नहीं होती है तो बस उसके बारे में सोचता रहता हूँ, जब रागिनी होती है तो जो कहना चाहता हूँ वो भी भूल जाता हूँ। बड़ी अजीब सी स्टेट होती है ये लव। लेकिन आप क्या समझेंगे पंडित जी, ये लव, ये रोमांस, ये इश्क, आपकी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत चीजें कहाँ? अरे पंडित जी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आपने किसी ना किसी को तो दिल जरूर दिया होगा, कौन थी वो? बस फिर क्या हुआ? मैं उससे कहने वाला था कि
फिर क्या हुआ बोलो। हमारे बीच एक तीसरा आ गया है? और तुमने कुछ नहीं किया? अरे यार तुम पागल हो क्या? मैं होता ना तुम्हारी जगह तो मैं उसको मार डालता। अरे मेरे और रागिनी के बीच में कोई आए तो सही, मैं उसको खा डालूंगा। लेकिन तुमने उसको कुछ क्यों नहीं किया? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा उसको उसकी जरूरत है। ओह, सैक्रिफाइसिंग टाइप्स। मिस्टर परमार, आप पर मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी बहुत प्यार आता है, और कभी कभी बहुत तरस आता है। यह अलग बात है कि मैं आप जैसी बेवकूफी कभी नहीं करूंगा, समझे आप? लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू। परमार, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे। दैट इज द रीजन आई फाउंड यू एंड रागिनी। I'm so lucky. So am I. मैंने ये पहला कदम उठाया है क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि आप लोगों में हिम्मत नहीं है इस करप्ट सिस्टम से लड़ने की। लेकिन आप लोग कोई भी फैसला करने से पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। यह सफर उतना आसान नहीं, क्योंकि जगह जगह लोग खड़े हैं आपको डराने के लिए। तरह तरह के चेहरे बनाकर वो डराएंगे आपको, तरह तरह की आवाजों में आपको धमकाएंगे, तरह तरह के लालच दिखाएंगे ताकि आप लोग रुक जाएं। लेकिन अगर हम डरते नहीं हैं तो हमें अपने मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आप सबके सामने ये ओथ लेता हूं, ये वादा करता हूं कि मैं ये सफर शुरू करूंगा। और आप लोग हाथ उठाकर ये बताइए कि आप लोगों में से कौन मेरे साथ चलने को तैयार है। ये तुमने बड़ी बड़ी बातें कह तो दी, ये बातें सिर्फ कहने की हैं या ये सब हो भी सकता है? राजन, हो सकता नहीं, होगा। कैसे यार? यार देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये सब लोग देखो हाथ उठाकर चले तो गए हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म होंगे ना, ये सब लोग घर चले जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। कौन किसको कितनी परवाह होती है यार, मालूम है? हाँ राजन, शायद ये लोग चले जाएंगे, लेकिन हम तीन लोग तो हैं ना। अगर हम तीनों ने ये ओथ ले लिया, ये वादा कर लिया, तो हमें अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोड्यूसर रागिनी, ये हमसे ही आज ये जमाना है, तारों से भी आगे हमको जाना है, जाना है, जाना है। पाके रहेंगे अपनी मंजिल हम, हाँ पाके रहेंगे अपनी मंजिल हम। देखो कहाँ आ गए हम, हाँ देखो कहाँ आ गए हम। वोट फॉर राजेश वर्मा, वोट फॉर राजेश वर्मा, वोट फॉर राजेश वर्मा, वोट फॉर राजेश वर्मा, राजेश वर्मा। रागिनी, कब तक इंतजार करती रहोगी? हाँ अगर तुम उसे इतना प्यार करती हो तो कह ही डालो, परमार आई लव यू। पर आई डोंट लव हिम। हाँ हाँ, मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं उसकी इज्जत करती हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम। हाँ हाँ हाँ, उसे प्यार ही कहते हैं। नो, दिस इज डिफरेंट। तो डिफरेंटली कह डालो, बट कह डालो ना। यार तू नहीं समझेगी इसको। इसे कोई नहीं समझाया, इसीलिए कह डालो। कैसे कह दूं? कैसे कह दूं? ऐसे, परमार, I love you। It's not that easy। मैं कैसे समझाऊं यार तुझे? परमार is like my teacher। Okay, okay, okay। I know all that। The friend, the philosopher, the guy types, right? जब ऐसा लगने लगे तो उसे बता देना चाहिए। परमार मेरा इतना अच्छा दोस्त है, एकदम सडनली आउट ऑफ द ब्लू जाके उससे कहूं कि परमार आए।
देखो उसके एब्सेंस में नहीं बोल पा रही हूँ, प्रेजेंस में क्या खाब बोलूंगी, कुछ भी बोलती है। ऐसा ही होता है, साफ सुन जाता है ना। इसलिए कहते हैं जब बातों से बात ना बने तो एक्शन से काम लेना चाहिए। ये देख। ये क्या है? Look it. Yeah, but... देखो इसमें दो फोटोग्राफ लगते हैं, ओके? एक साइड इसमें अपनी फोटो लगा लो, दूसरे उसकी, और उसे गिफ्ट कर दो, वो अपने आप समझ जाएगा। राम छोटे भैया। अरे तुम, तुम्हें इस कैंपस में घुसने किसने दिया? अरे घुसपैठ तो हमारी बहुत दूर तक है, फिर ये कॉलेज क्या चीज है? लिसन, गेट आउट फ्रॉम हियर प्लीज। अरे गेट आउट तो हम हो ही जाऊंगा, मगर तुम्हारा गेट आउट होना बहुत जरूरी है, ये इलेक्शन है। देखिए, मैं आप जैसे लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, मैं फिर से कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाइए। अरे हम भी तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन हमारे पार्टी के साथ मिलकर लड़ो। अरे जिन गुंडों को मैं खत्म करना चाहता हूँ उन्हीं के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ू? लालू पांडे, तुम्हारी सिर्फ कद ही नहीं बल्कि औकात भी बहुत कम है। अरे ये औकात औकात की गलत बातें रहने दो, हम तुम्हें धमका नहीं समझा रहे हैं छोटा भाई समझकर। अभी भी वक्त है, ये इलेक्शन छोड़ दो या फिर हमारे सपोर्ट से लड़ो। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। परमार, साले बहुत नेतागिरी का फतूर चढ़ा है ना तुम्हें, अब तुम्हें पता चलेगा ये छोटे कद की औकात। अगर एक घंटा में तुमने हमारा बात नहीं माना ना तो मैं तुम्हें निचोड़ के निकल जाऊंगा। Get out. एक बात ठीक से समझ लो, ये राजनीति की तलवार जो है ना बहुत कतीली होती है। तुम्हारा ये कॉलेज का कॉलेज गिरा देंगे हम, मगर इलेक्शन नहीं होने देंगे, समझे? इसका मतलब है कॉमर्स फैकल्टी पूरी अपने साथ है, अभी आर्ट्स और साइंस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। Which means all together we are going to have how many? Ragini! You know what? What? BA part 1, 2 and 3 ke sabhi students ke confirmation leke aaye ho main. Wow! Fun! Ab chat bajana. Aaj to Thomas ho gaya. Main sare BSc student ka bhi signature leke aaya hu. Ab paya to kitna se koi nahi rok sakta. I must break the future. थर्ड ईयर आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स ने जॉइंट रेजोल्यूशन लिया है तुम्हें प्रेसिडेंट बनाने का, सो देयर इज जस्ट नो वे एनीवन कैन स्टॉप यू नाउ। व्हाट? तुम्हें प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, इट्स वंडरफुल। और अगर कोई मुझे रोकना चाहे प्रेसिडेंट बनने से तो मुझे क्या करना चाहिए रागिनी? दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल परमार। तुम जानते हो सारे स्टूडेंट्स तुम्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि तुम अलग हो, तुम बाकी हो जैसे नहीं हो। और रागिनी तुम, क्या तुम भी विश्वास करते हो मुझ में? परमार, मैंने एक सपना देखा है, तुम प्रेसिडेंट बन गए हो, फिर जो इतनी सालों में नहीं हुआ वो तुमने कर दिखाया। सारी नेशनल पार्टीज के लीडर्स तुम्हें अपना टिकट देना चाह रहे हैं, लेकिन तुम इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हो, क्योंकि तुम इन गंदे घटिया लोगों जैसे नहीं हो, खुद की एक अलग पहचान बनाते हो। रागिनी, तुमने खुद कहा कि एक सपना है,
सपना ही तो शुरुआत है ना। जो सपना ही नहीं देख सकता वो एनीवेज ये लो बोली गई थी। व्हाट दिस? ये तुम्हारे लिए है, गुड लक। वेरी क्यूट। अरे ये तो अधूरा गिफ्ट है रागिनी, इसमें दूसरी तस्वीर है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया की हर खूबसूरत चीज को थोड़ा अधूरा ही रहना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल। रागिनी आज पहली बार किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया। मींस अ लॉट टू मी। मैं जिंदगी भर इसे अपने पास रखूंगा। कहाँ हैं आप सुबह से? सुबह से 4-5 बार मैं आपके रूम में जाकर आया हूं। ना तुम क्लास में थे, ना लाइब्रेरी में थे, ना रूम में थे। वे वर यू? यार वो मेरे एक चाचा आ गए थे, उन्हें छोड़ने स्टेशन चला गया। ओह गॉड, मैं तो डर गया था कहीं पंडित जी ने संन्यास लेने का ना सोच लिया हो। संन्यास कैसे लिए? व्हाट 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 आर कमिंग हियर प्लीज। तुम में से राजेश परमार कौन है? जी मैं हूँ। तुम सवेरे 7 और 8 के बीच में कहाँ थे? ये अपने चाचा जी को छोड़ने स्टेशन पे गए थे। अरेस्ट हिम। Wait a minute, how can you do that? Kya kiya isne? Attempt to murder. What?